नमस्कार मेरे दोस्तों, आज शायद सभी साथियों के सवालों के जवाब देंगे। जो कमेंट में सवाल करते हैं या कोई बात लिखते हैं, उनके जवाब देने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप अगर सोचते हो कि वीडियो के ऊपर व्यू लेने के लिए कोई वीडियो बनाता है, तो ये व्यू का चक्कर छोड़ दो। मिलियन लगातार व्यू ले रखे हैं वीडियो के ऊपर, और चाहे तो आज भी ले सकते हैं इसी सोशल मीडिया के ऊपर। मिलियनों में व्यू लगातार खूब देखे हैं हमने, अपने खुद के वीडियो पर लिए हैं। लेकिन उन सब को छोड़ के, हर एक चीज़ के पंगे को छोड़ के हम लगे बताने, भाई सिखों का इतिहास बताने लगे, सिखी के बारे में बताने लगे, गुरुओं के बारे में बताने लगे। हालांकि हम तो बहुत छोटे से प्राणी हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम गुरुओं का इतिहास बता सकें। वो इतिहास नहीं, एक महासागर है, लेकिन फिर भी उनमें से एक दो बूंद ताकि लोगों तक पहुँच सके, इसलिए बताने लगे। तो लोगों ने बड़े इल्ज़ाम बहुत लगाते हैं लोग। पहले भी जब वीडियो बनाता था इल्ज़ाम लगाते थे लोग, दबा के इल्ज़ाम लगाते थे, बस तेरे को तो मोदी विरोध में वीडियो बनाने हैं, तेरे को ये करना है, कांग्रेस का विरोध करके दिखा। अब इनको क्या कहें, सरकार किसकी थी भाई, किसके खिलाफ बोले, जो गलत करेगा उसी के खिलाफ बोला जाता है। फिर लगे हम इतिहास पढ़ा, पहले हमने खूब पढ़ा, खूब तो नहीं, थोड़ा सा कुछ अंश पढ़े हमने इतिहास के, सीखी इतिहास के। तो वो सोचा कि लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ज़रूरी भी है, बीच में ना बोल सके, इसलिए आपको बता देते। वीडियो लंबा भी नहीं होगा, थोड़े से मैं वो कर देंगे। जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी चैनल, बात हक और सच की जाएगी। कई साथी कमेंट कर देते हैं चढ़ती कला में रहो। चढ़ती कला का मतलब समझते हो? नहीं समझते ना। चढ़ती कला का मतलब एक छोटी सी लाइन से समझ जाना, अगर समझदार हो गए तो समझ जाओगे चढ़ती कला का मतलब क्या होता है। चमकौर की कच्चीगढ़ी के अंदर दशमेश पिता धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके पास बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोधार सिंह जी खुद आके कहते हैं कि पिताजी हम युद्ध में जाना चाहते हैं, युद्ध में जाना चाहते हैं। सबसे पहले बाबा अजीत सिंह जी युद्ध में गए, 352 तीर लगे थे उनको, 352 तीर। आप महाभारत में देखते हो तीरों की संख्या के ऊपर लटा दिया था भीष्म पितामह को, 352 तीर लगे थे। बाबा जोधार सिंह भी शहीद हुए, खुद दशमेश पिता के पिता शहीद, माता शहीद, खुद शहीद, बच्चे शहीद, पत्नी शहीद, फिर भी उन्होंने क्या कहा कि चढ़ती कला में रहो। ये है वो चढ़ती कला, जो अरदास के बीच में ही बोला जाता है, हर जगह पे बोला जाता है। ये है वो चढ़ती कला का मतलब। जब इन शब्दों के मतलब समझते हैं ना, मतलब समझते हैं, ऑटोमेटिक सिक्खी की तरफ ध्यान जाता है, अपने आप खिंचाव बन जाता है सिक्खी की तरफ। अगर आप एक ओंकार का मतलब समझ जाओगे ना, एक ओंकार, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड सब कुछ समा गया। एक ओंकार का मतलब समझ जाना आप अपने आप सिक्खी की तरफ चले जाओगे, एक ओंकार का मतलब समझते ही। लेकिन पता नहीं लोग फिर कमेंट करते हैं, इसको सिक्खों से पैसे मिलते हैं, फिर वो सिख सामने आ जाओ भाई जो पैसे देते हैं। खैर वीडियो बना के बोल रहे हैं भाई, बहुत से एनआरआई भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एनआरआई भाई भी जुड़े हुए हैं। एक कोशिश रहती है कि जो हकीकत है ना वो लोगों तक पहुँच जाए। अभी जो पंजाब के ताज़ा हालात चल रहे हैं, सबको पता जो हालात पंजाब के अंदर चलाए जा रहे हैं, या जो आप सोच रहे हो बिहार में चल रहा है, उस बाबा का प्रवचन बिहार में चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण यहीं से शुरू होगा, नहीं 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 नहीं, वो घूमकाना पंजाब में ही है। पंजाब के अंदर जो ये भैयों का ये प्रोग्राम चला हुआ है ना, चलाया जा रहा है, ये इसलिए चलाया जा रहा है, ये तुम्हारे को फिर उस हिंदू राष्ट्र से जोड़ देंगे कि देखो सिख तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हालांकि जो कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। हाँ, एक खुशखबरी जरूर देते हैं भाई, इसके बीच में एक खुशखबरी बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात बता देते हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हो, चाहे पंजाब में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, जो बेद भी करने वाले हैं, या जो भैये कब्जा करके कहते किसी में दम हो तो छुड़वा कर देख लो, कृपया करके शांति के साथ दूर हो जाना, शांति से दूर हो जाना। नियंग सिंगों ने अपने हाथ में कमान ले ली है। अब आपको वीडियो दिखाएंगे, फिर वो तकलीफ हो जाती है वीडियो दिखाने से, वीडियो दिखाते फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। नियंग सिंगों ने अपने हाथ में कमान ले ली है, और जहां पर भी SPDC सबको ज्ञापन भी दे दिया है कि या तो इन पे कंट्रोल किया जाए, नहीं तो फिर उनका कंट्रोल सबको पता जैसा होता है, सब कुछ शांत हो जाता है, फिर शांत हो जाएगा सब कुछ। ये बता दिया नियंग सिंहों के हाथ में कमान आ गई है, तो ये जितने भी चाहे भैया चाहे प्रवासी है, जो कोई भी है, अगर आप यहाँ पे नौकरी करने आए हो, मजदूरी करने आए हो, करो आराम से, किसी के कहने से बहकावे में आकर कि तुम तो पता नहीं कौन सा राष्ट्र बना रहे हो, वो अलग से राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हो, उसके ऊपर NSA नहीं लगेगा। कहीं आप सोच रहे हो उस पर कोई NSA लगेगा? नहीं लगेगा। और आप सोच रहे गोदी मीडिया ये दिखाएगी कि वो कर्नाटक में हार होगी? नहीं दिखाएगी, उनको हजम नहीं हो पा रही, हुआ उनके चाणक्य का फैल, उनका जो एक चेहरा था प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बनाया था, चेहरा भी फैल हो गया। अब
जंतर मंत्र पे पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं, उनके बारे में बोलते हैं, बताते हैं, पूरा देश उनके साथ है। उनके साथ कौन नहीं है, तुम अपने आप देख लो, अपने आप देख लो उनके साथ कौन नहीं है, पता लग जाएगा। एक वीडियो है अपने पास, वीडियो है, एक वीडियो है भाई मेरे पास है, वो वीडियो खुद एक अपने साथी हैं बाबा जी, उन्होंने बोला कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि सभी लोगों तक पहुँच जाए। जो बात हम बोलते थे 96 करोड़ी सिंह सजेंगे, वो सज चुके हैं, सज चुके हैं। वो वीडियो मैंने बाबा जी के पास भेजा, सिर्फ बाबा जी के पास भेजा मैंने वीडियो, मखा इसको देखना एक बार। तो उन्होंने खुद जो बोला है ना, आप सुन सकते हो। इस वीडियो में तो कमाल हुई पड़ी है, जैसे आप कह रहे हैं कि 96 करोड़ी सिंह सज रहे हैं, सच क्या रहे हैं, ये तो सज ही चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया काका, है वीडियो है ये वीडियो दिखाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो है अपने पास, लेकिन वीडियो दिखाते पता नहीं क्या हो रखा है, अब चैनल पर अंधभगत आके बैठ जाते हैं, उनको फिर और तकलीफ होती है। 96 करोड़ सिंह सज चुके हैं, उसके बाद क्या होना था, फिर अगली बात क्या बोली गई थी, खालसा राज, खालसा राज। आपको इंग्लैंड का दिखाएं, अमेरिका का दिखाएं, फ्रांस का दिखाएं, ब्रिटेन का दिखाएं, जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी के अंदर सिखों को जो मान सम्मान, जो उपाधियां दी जा रही हैं, आप ये देख लो ना, प्रिंस चार्ल्स जब बनता है, अब आपके देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के राष्ट्रपति, किसी को भी न्योता मिला हो तो बता दो, और किसी देश के को मिला हो तो, लेकिन एक सिख को मिला वहाँ पे न्योता, एक सिख को मिला, वो वीडियो भी है। इस सबसे ताकतवर बोला जाता प्रिंस चार्ल्स, जो प्रिंस बनया चार्ल्स से वो बनया है, जैसे वो महारानी थी, क्योंकि बोलते आधी से ज़्यादा दुनिया पर राज रहा है ना, इनका राज रहा है, और राज अभी भी है, अभी भी है। लेकिन पता नहीं अपने देश में कौन सी, किस मिट्टी के बने हुए अंधभगत हैं, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा कि देश की लंका लग चुकी है, पहले श्रीलंका, अब पाकिस्तान, अगला नंबर अपना ही है, कहाँ जाओगे, समुंदर कूदना तो समुंदर कूद के आ चुके, अपना पड़ोसी का नंबर आ गया, अब अपना ही नंबर है अगला। अगर इन गोबर भक्तों की मानते रहे ना, तो नंबर अपना ही है अपना अगला, ये याद रखना आप, क्योंकि आप लोगों की समझ में ही नहीं आ रहा अभी तक। और नियंग सिंह ने बिल्कुल हाथ जोड़ के बोला है, हाथ जोड़ के बोला है कि रिक्वेस्ट है, आप भी सरदार सिंह सरदार हो, रिक्वेस्ट आपसे, ये जो हो रहा है ना इसको बंद कर दो, नहीं तो सबको पता है उनका बंद करने का जो तरीका होता है ना, देखो वो तरीका हमारे को तो पसंद है, हमारे को पसंद है वो तरीका। अगली और खुशी की बात बताएं, अब आपको दिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ बताएंगे, जो NSA लगा के अपने काला पानी बोलते हैं, डिब्रूगढ़ बोलते हैं, जो भेजा गया ना, जल्दी बाहर आने वाले हैं, जल्दी ही बाहर आने वाले हैं वो, उनके माँ बाप मिल के आए, उन्होंने भी आने के बाद बोला कि उन्होंने बोला हम चढ़ती कला में हैं, चढ़ती कला का मतलब आपको पहले ही बता दिया है। मेरे भाई आप थोड़ा सा प्यार करके देखिए सिखों के साथ, इतना सा प्यार करोगे ना, ये आपसे इतना प्यार करेंगे कि आप उनके प्यार के कर्जवान हो जाओगे, कर्जवान, इतना प्यार करते हैं ये। 65,000 से ज़्यादा साथी जुड़े हुए हैं अपने साथ, 65,000 से ज़्यादा। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो के ऊपर जो रोक लगाते हैं और कुछ करते हैं, वीडियो बनाना छोड़ देंगे, हमने तो पहले भी नहीं छोड़ा था, पहले ही बनाते थे, लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ पंजाब के बारे में सोचिए, सिख सभी के साथ खड़े हो जाते हैं, सभी के साथ, लेकिन सिखों के साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। इसका उदाहरण आपको बताया था, जब प्रधानमंत्री साहब पंजाब में आए थे ना, एक बार आए थे, तो उन्होंने बोला था कि बड़ी मुश्किल से पंजाब से जान बचा के गया हूँ मैं, किसी ने भी वीडियो डाला हो तो बता दो, सबसे पहला वीडियो अपना आया था, अपना वीडियो आया था सबसे पहले, वो वीडियो बहुत से चैनलों के ऊपर मिलनों में है, बहुत ज़्यादा मिलनों में लोगों ने देखा था, या बहुत से साथी ऐसे होंगे जो किसान आंदोलन के दौरान से जानते होंगे, बोल लेंगे सच्चाई, किसी को नुकसान नहीं करना चाहते हम, ना ही किसी का नाम लेके बोल रहे, लेकिन अभी पंजाब और हरियाणा के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जाएगा, उस गेम से बचने के लिए जो अपनी संयुक्त पंजाब की मुहिम है उस पर हाथ बढ़ाओ, अभी सिखों को जरूरत है, उनके साथ खड़े हो जाओ। सबको पता है जून आने वाला है, जून आ रहा है भाई, और जून में क्या होता सबको पता है, कोई नहीं भूला होगा इस चीज़ को, अब बताएंगे आपको अगले वीडियो से बिल्कुल आराम से कि जून में इन्होंने कैसे प्रोपगंडा किया था, जून 84 में क्या क्या किया था, पहले कैसे इन्होंने, सब कुछ बताएंगे आपको। बस आप वीडियो को शेयर करते रहना और जुड़े रहना, वीडियो को लास्ट तक देखोगे शेयर अपने आप कर दोगे। अगले वीडियो में आपको पूरी कहानी, छोटे छोटे वीडियो बनाकर पूरी बताएंगे, कैसे क्या किया था, कैसे खेला गया था सिखों के साथ, वो आपको पूरा बताएंगे। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं, बहुतों का सवाल है कि दीपक कब अमृत छक रहा है, यही सवाल है ना आप लोगों का, अमृत कब छक रहा है, वो अकाल पुरख अपने आप आदेश दे देता भाई।
किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकाल पुरख का ही आदेश है, जो इतने लोग सिंह सज रहे हैं ना, ये अकाल पुरख के आदेश से हो रहा है। हो सकता क्या पता जल्दी हम भी अमृत छक ले, लेकिन सिख है, हम सिख हैं, सभी सिख है हमारी नज़र में। तो जो सीखता रहता है वो भी सिख है, जो लोगों की सेवा करता है वो भी सिख है, सिख सभी। लेकिन जिनके दिमाग में गंदगी भरी है उनको हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते उनको। जल्दी हो सकता अमृत छक ले, फिर क्या कहोगे? फिर इल्ज़ाम लगा देना कि पैसे मिले हैं तब अमृत छक्या है ना। ये आपकी आदत है, आपकी आदत, आप अपने आदतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने बोलने से बाज नहीं आएंगे, आपको एक एक बात बताते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना था दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की जाएगी और करते रहेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।